अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरा शो देखते रहें। जैसे कि आपको पता है, मेरे शो में हर दिन जब सैटरडे संडे मैं अपने गेस्ट बुलाती हूँ और उनसे इंटरव्यू करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके मुतालिक बात करती हूँ, वो किस तरह का काम कर रहे हैं सब मुतालिक उनसे बात करती हूँ। साथ साथ मैं आपकी लाइव कॉल्स भी लेती हूँ, अगर आपने कोई बात करनी होती है वो आप सवाल भी करते हैं। तो आज का भी शो मेरा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है और यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। आज हमारे साथ वेल नोन पेंटर, क्योंकि मुझे पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने अक्सर उनकी पेंटिंग भी देखी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनके साथ बैठी हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ और मैं आज उनके साथ शो कर रही हूँ, तो आपको भी उनसे मिलवाती हूँ, वक्त नहीं ज़ाया करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करूँगी। तो कमर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको मेरा काम पसंद आया। और तकरीबन 23-24 साल से मैं प्रोफेशनली पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में और मुल्क से बाहर कई सोलो शोज़ कर चुका हूँ। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं और काम में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं जो काम करता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनको मैं फिर अपने कैनवस पे उतारता हूँ कलर्स और फिगर्स के ज़रिए। और अभी जो मैंने लास्ट में एग्जीबिशन की थी वो खुलूस पर की थी मैंने। अच्छा। वो पिछले साल इन 2020 में मैंने की थी स्टार्ट में। और उसका यही था कि उसमें जो मैंने बात लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं पेंट भी करता हूँ उसके साथ साथ जो मेरे टॉपिक्स होते हैं वो मैं डिस्कस भी करता हूँ, तो उसमें पेंटिंग्स के थ्रू मैंने यही मैसेज दिया है कि जब दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और खुलूस से एक दूसरे से मिलते हैं तो रिश्ता बहुत मजबूत होता है। लेकिन अगर आप अपना अपना ख्याल रखेंगे और खुलूस, तो फिर खुलूस दम तोड़ देता है, फिर कितने अरसे तक जो है वो मामला चलते हैं ज़िंदगी के। तो इस तरह से मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करता हूँ। और इससे पहले जो मैंने एग्जीबिशन की थी वो इंटरनेशनल पीस पर मैंने एक एग्जीबिशन दुबई में की थी और उसमें भी थोड़ा सा एक टॉप मैसेज मैंने देने की कोशिश की थी लोगों के, मुल्कों के लिए ये बात की थी कि अगर दो ममालिक एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो एक बड़ी पुरफजा माहौल रहेगा, लेकिन अगर वो अपना अपना करते हैं और ख़ुदगर्जी जहाँ दिखाएंगे तो वहाँ पर फिर खाना जंगी की कैफियत हो जाती है। तो मैंने ये इंटरनेशनली मैसेज दिया कि आप जो है वो पूरी दुनिया में एक दूसरे का ख्याल रखें ताकि दुनिया में अमन और सुकून कायम हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक मैसेज आपने दिया। अच्छा ये बताएं, ये सिलसिला कितने अरसे पहले स्टार्ट हुआ और किस तरह से स्टार्ट हुआ? मतलब होता है ना कि लाइफ में कुछ आपने जब एक एज ऐसी होती है, टीनेजर होते हैं आप, और आप सोचते हैं कि आपने करना है पर उस टाइम आप कर नहीं पाते, पर जब मौका मिलता है तो आप वो काम ज़रूर करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा या इस मुकाम तक, या इतना मेरे अंदर जो है वो ज़्यादा हुनर या ये कह लीजिए कि सोच में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हाँ, आर्ट के बारे में ये कह सकते हैं कि मेरे फैमिली में है। अच्छा। मैं बाय नेचर पेंटर हूँ, मेरे वालिद साहब आर्टिस्ट, मेरी वालदा भी पेंट आर्टिस्ट थी, बचपन में मैंने उन्हीं से काम सीखा। फिर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और मेरे फैमिली में और भी जो मेरे फैमिली में जो लोग हैं वो कोई पोइट है, कोई राइटर है, तो वो ये हमारे फैमिली में ही है। तो काम तो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिर ये हुआ कि शौक़ काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, देन फिर वहाँ से बाकायदा तालीम हासिल की और तकरीबन पिछले 23-24 साल से या इससे भी ज़्यादा हो सकता है मैं प्रोफेशनली फिर पेंटिंग और स्कल्पचर्स मुजस्मा साजी होती है, मगर ये कि उसके डिफरेंट मीडियम्स होते हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो बस ये चल रहा है सिलसिला, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई पेंटर बनना चाहता है तो उसके लिए आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से, किस स्टेप को फॉलो करें तो वो एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं? अच्छा, इसके ना दो तरीके हैं।
एक तो ये होता है जैसे कि एक गॉड गिफ्टेड पेंटर या आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनका तो ये है कि उनको सिर्फ पॉलिश करना होता है कि वो आर्ट स्कूल्स में जाते हैं और वो खुदादाद सलाहियत होती है, तो वो काम कम भी करें तो वो अल्लाह ताला ने उनके हाथ में स्किल्स दी होती हैं तो वो काम बहुत खूबसूरत करते हैं। लेकिन ये होता है कि हाँ, ऐसा भी मुमकिन है कि जो लोग जिनको बिल्कुल शुरू में पहले कभी पता ही ना हो कि वो आर्टिस्ट हैं या आर्ट करना चाहते हैं, फिर अगर उनको एकदम से काम देख के और चीज़ें देख के शौक़ पैदा हो जाता है, तो वो लोग अगर आर्ट कॉलेजेस में बाकायदा क्लासेस लें तो उनके लिए एक्चुअली ये जो आर्ट है ना, इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स हैं, तो वो मेथड्स जब आपको पता लग जाएंगे तो प्रैक्टिस कर करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, बस ये होता है कि जो बाय नेचर पेंटर या आर्टिस्ट है उसको मेहनत कम करनी पड़ती है, और अगर मेहनत ज़्यादा भी करेगा तो वो और ग्रूम कर जाएगा। जो जिनको नहीं होता तो वो काम करें तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और दूसरा ये कि अब आर्ट में काफ़ी वसत हो गई है, आर्ट सिर्फ रियलिस्टिक काम करने का नाम नहीं रहा है, आर्ट के बड़े बड़े स्टाइल्स आ गए हैं, तो ये कि लोग बड़ा आसानी से मुख्तलिफ स्टाइल्स को अपना के अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना ही आर्ट नहीं होता है, रियलिस्टिक आप अपना इजहार ख्याल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रियलिस्टिक चीज़ ही बनाएं, आप एक्सप्रेशंस के ज़रिए भी, पेंटिंग के थ्रू भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाना पसंद करते हैं या ज़्यादा उस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं और आपको अच्छा लगता है? मैं एक्चुअली सरियलिज्म एक आर्ट का एक शाख है जिसपे मैं काम करता हूँ, उसमें कुछ सिम्बल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं और इसी को मैं, इस तरह से ज़्यादातर मेरा काम इसी पर होता है। और मेरे जो ज़्यादातर मेरी ख़ास कुछ सिंबल्स हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाएंगे ना, उनको पता लग जाएगा कि ये मैं सिंबल्स यूज़ करता हूँ, तो आपको मेरी पेंटिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और मैसेज बहुत आसानी से कन्वे हो जाता है उसमें। अच्छा, एक आर्टिस्ट जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज अपनी पेंटिंग से देता है? बिल्कुल, देखिए जैसी आपकी सोच है वो वैसा मैसेज आप दूसरों को देंगे, जैसी आप सोच है वैसे ही आपका अंदाजे बयां होगा। तो चाहे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, एक्चुअली सारा काम सोच पर होता है। तो जैसे शायर है वो सोचता है और जिस तरह की सोच होगी वैसी वो शायरी करता है, उसी तरह फिलॉसफर है या एक डिक्टेटर है, जैसी थॉट्स होंगी वो उसकी काम और उसकी सोच या उसके काम करने का तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही होता है। इसी तरह से एक तरीका है अपने इजहार ख्याल का इजहार करने का, पेंटिंग है। तो जैसी आपकी सोच होती है फिर वैसे ही आप काम करते हैं। कुछ लोग एक चीज़ को उतना ही देखते हैं कि ये ग्लास है, ठीक है, आप सिंबल के तौर पर, जैसे मैं एज एप्पल को एज ए सिंबल ऑफ लाइफ यूज़ करता हूँ, आप ये कह लीजिए कि देखिए एप्पल जो है बड़ा एनर्जेटिक फल होता है, उसका एक टाइम पीरियड है, आप उसको यूज़ कर लेंगे तो वो फ़ायदे में रहेगा, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ाया हो जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है, एक एनर्जेटिक होती है, आपके पास टाइम पीरियड है एक, उस टाइम में अगर आप उसको सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो वो किसी काम आ जाती है, और अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ज़ाया हो जाती है। तो बस मतलब सिर्फ इजहार ख्याल की बात है। कुछ लोग उस चीज़ को, एक सेब को उतना ही देखा जितना कि वो नज़र आ रहा है, कुछ लोग उसकी डेप्थ में भी चले जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेप्थ में जाने वाला, ज़रूरी नहीं है कि डेप्थ में जाए, वो उसको एप्पल के जितना ही बना सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो बात कितनी करना चाह रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह से। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं, इसकी एग्जीबिशन दुनिया भर में कहाँ कहाँ हो चुकी है, आपकी पेंटिंग कहाँ कहाँ देखी जा चुकी है? मेरी पेंटिंग्स, एक मेरा शो हुआ था ह्यूस्टन में, यूएसए में, वो सादकैन साहब के साथ मेरा एक ग्रुप शो था, उसमें मेरा काम उनके साथ लगा, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उनके साथ एग्जिबिट हुआ हूँ। तो ये बड़ी खुशी, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त। उसके अलावा दुबई में शो हो चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों में ग्रुप शोज़ मेरे हो चुके हैं। दुबई में तो मेरे सोलो शोज़ भी हो चुके हैं। जी, अभी फिर मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एग्जीबिशन ट्रैवल कराने का प्लान है, इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ने चाहा तो, अगर मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह होगी। वो मैं इंटरनेशनली पीस पर ही करना चाह रहा हूँ कि खुदारा खुद
खुदगर्जी और लालच और हविस की जो सोच है उसको ख़त्म करें और एक पुरअमन तरीके से और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, ताकि दुनिया में अमन और खुशहाली आए। प्लीज़, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और फिर एक और बात यह है कि तमाम जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स करते हैं, तो वो आने वाली औलाद के लिए सोचते हैं कि हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके वो इस बात पे राज़ी होते हैं कि भाई हम आगे अपनी फैमिली प्लानिंग में किसी और का इजाफा करें या नहीं करें। तो अब ये जो थिंक टैंक्स जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, तो ये क्या ये नहीं सोचते हैं कि हम बर्बादी की तरफ दुनिया जा रही है, और हम जो दुनिया में जो लोग आ रहे हैं उनका आने का फ़ायदा क्या है, हम उनके लिए उनको क्या उनकी क्या देंगे, हम उनको थर्ड वर्ल्ड वॉर देना चाहते हैं या खाना जंगी की कैफियत है हर तरफ। अल्लाह ताला हम लोगों को इससे निजात दिलाए और हम अमन की तरफ बढ़ें। तमाम मज़ाहिब दुनिया के, उनमें सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है कि अच्छाई का दर्ज दें, सच बोलें, झूठ नहीं बोलें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरे ख्याल में तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं उन सब में ये चीज़ मौजूद है और यही बेसिक्स हैं। ठीक है, इंसानियत का दर्ज तमाम दुनिया के मज़ाहिब देते हैं, तो इस वक्त वो मज़ाहिब का दर्ज देने वाले इस वक्त कहाँ हैं, वो जमा क्यों नहीं होते कि दुनिया में अमन और सुकून आए। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू गुजारिश है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए और मुख्तलिफ ममालिक या लोग इस पर स्टेप उठाएँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इस पर काम करें, और मैं ख़ुद भी एक एग्जीबिशन प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं जो न्यू टैलेंट है और पेंटर हैं नए जिनको अभी लोग नहीं जानते, तो उनके लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि उनको भी आगे लेके आएँ, उनका भी टैलेंट लोग देखें, उस पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ ग्रुप्स हैं आर्ट सर्कल में जो कि ये काम कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि न्यू कमर्स को वो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आगे लाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठीक है जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो लोग किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा टैलेंट सिर्फ ज़राए ना होने की वजह से वो परवान नहीं चढ़ पाता। तो हम कोशिश कर रहे हैं और इस पर और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उनको इसमें बिल्कुल और स्टेप्स उठाने चाहिए। मजीद कर रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है, माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफ़ी स्कोप है आर्ट में भी, और हमारे काफ़ी आर्ट कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, पर आप चाहते हैं कि हुकूमत भी कुछ सपोर्ट करें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट करे, एक्चुअल पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत क्या कहते हैं स्किलफुल पेंटर्स और आर्टिस्ट हैं, और जो दुनिया भर में, ऐसी बात नहीं है, काम कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं। और ये है कि बहरहाल हमारी गवर्नमेंट करती है किस हद तक कर रही है, पहले इसकी बनिस्बत काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फ़ायदे नहीं है, क्योंकि पेंटिंग्स एक प्रॉपर्टी की तरह से होती है, और उसके अगर पाकिस्तान के आर्टिस्ट बाहर जाके काम करते हैं और उनकी पेंटिंग सेल होती है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है जी, बिल्कुल। और फिर ये है कि आपका मुल्क का नाम, जाहिर सी बात है, एक गुड लिस्ट में एक पॉजिटिव पीस जेस्चर के लिए आप काम करते हैं, तो उसमें ज़रूर आता है, ये एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है इसका। अच्छा, ये बताएं पेंटर जो पेंटिंग करता है, एक पूरी स्टोरी होती है उसमें, तो उसके लिए समझने वाली नज़र भी होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है कि वो नज़र भी होनी चाहिए जो पेंटिंग अच्छा, देख के समझ जाए, उसके डेप्थ में जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है, आप सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग्स में ज़रा जो बहुत डीप होती है, जैसे बहुत सारे शेर आम फहम नहीं होते, कुछ शेर जो है वो आम फहम होते हैं, तो आसानी से समझ आ जाते हैं, और कुछ पेंटिंग्स भी बहुत डीप होती हैं, तो उनको समझने के लिए वो फिर ये है कि वो फिर हर किसी के लिए नहीं होती हैं, वो जो 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 आर्ट लैंग्वेज को समझते हैं, और वो हाँ अगर हमारे यहाँ
कॉलेज स्कूल लेवल पे आर्ट को पढ़ाया जाएगा तो फिर ये है कि बच्चों में अवेयरनेस आएगी। हमारी यहाँ इस चीज़ के इस पे बारे में ना बहुत कम नॉलेज दी जाती है, इस पर होना चाहिए कि बाहर के ममालिक में जो है ना वो बच्चों को वहाँ के मास्टर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में इतना रुझान है नहीं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, तो आपके तवस्सुत से मैं चाहूँगा कि हमारे जो क्या कहते हैं जो सिलेबस है बच्चों का उसके अंदर भी आर्ट को शामिल किया जाए, उनकी उनको एग्जीबिशंस के आउटडोर्स होते हैं बच्चों को जैसे कहीं पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं वैसे उनको आर्ट एग्जीबिशंस में भी लेके जाएं। ये बड़ा एक पॉजिटिव सा क्या कहते हैं पहलू है आर्ट का और ये बड़ा मतलब पुरसकून और जहन को बहुत कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पे आपको बड़ा सुकून और क्या कह सकेंगे आप इसको बहुत सुकून ज़हनी सुकून के लिए ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल जी जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आप पेंटिंग बनाते हैं या जो भी आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है उस टाइम क्या माहौल होता है, क्या मूड होता है, या वे सब लोगों से अलग हो जाता है, एक अपनी अलग उसमें उस टाइम सोच रहा होता है कि मुझे क्या बनाना है, उसमें गुम हो जाता है। कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ हो तो वो कोई काम ठीक नहीं कर सकता, और जो एक आर्टिस्ट है तो उस टाइम वो उस टाइम उसमें डूबा हुआ होता है, वो क्या उस टाइम क्या एक चीज़ होती है जो आप हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे? अच्छा वैसे मैं एक आर्टिस्ट की आवाज़ जानी चाहिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके बारे में आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स जो अपना काम पूरे सच्चे लगन और से करता है ना वो उसमें इतना महव होता है कि वो उस वक्त ज़्यादा इर्द गिर्द के माहौल से ना थोड़ा हटा ही हुआ होता है, चाहे वो कोई भी हो। आप फलसफी को देख लें, शायर को देख लें, साइंटिस्ट को देख लें इवन के, या जो कॉलम निगार बाकायदा जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उनको देख लें। आर्टिस्ट का ये होता है कि वो असल में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है। जो ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट या जो काम करने वाले होते हैं उनके पास असल में ये अपने काम से इश्क की बात है सारी। जब आपको अपने काम से में लगन होती है तो वो आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनको समझ नहीं होती है या वो, बस ये होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन पॉइंट जो होता है ना वो उसका काम होता है, तो जिसकी वजह से वो बस समझ लें कि वो अपने काम में धुन बस होता है, तो इसको कह सकते हैं आप कि वो महव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। बहरहाल ये बहुत जेन्युइन लोग होते हैं, ये कम होते हैं ऐसे लोग जो कि तकरीबन दिन में काफ़ी वक्त तक अपने काम में महव रहे। अक्सर मेरे साथ होता है कि अगर मैंने कोई काम घर में शुरू पेंटिंग स्टार्ट की हुई है और मैं कहीं बाहर हूँ तो मेरा दिमाग स्टूडियो में ही होता है। अच्छा। तो वो ये होता है कि फिर वो एब्सेंट माइंड में कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अमूमन नहीं होता है ऐसा। अच्छा ये बताएं सिर्फ आप पेंटर हैं या उससे हटके भी कोई बिजनेसमैन है, कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं, और मसरूफियात क्या हैं वो भी? मैंने मेरे इस तरह से है कि मैं पेंटिंग स्कल्पचर्स करता हूँ और इसके अलावा कुछ फर्नीचर पर भी काम कर रहा हूँ मैं। फर्नीचर डिज़ाइनिंग और मेकिंग का है मेरा, इसके राइटिंग भी करता हूँ, कुछ सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। मतलब जो इंसान से हो सकता है, देखिए अपने लिए सब जीते हैं। बिल्कुल। अपने अपनों के लिए जीना कमाल होता है। कमाल। देखिए अपने लिए देख अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है आप पे कि वो आपको नवाज रहा है। आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वक्त इतना मिलता है जिसमें कि आप कुछ और कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है और मैं खुद जितना थोड़ा सा जितना भी मिल सकता है वो आप अपनों के लिए निकालें। वो अपनी फैमिली है, अपने रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, या उससे ज़्यादा भी अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये इंसान के अंदर इंसानियत की बात है। इंसान के अंदर इंसानियत का इल्म देता है आपको, पता लगता है कि इसमें इंसानियत है, और ये चीज़ हमारे अंदर असल में है सब में। लेकिन जो इस वक्त दुनिया का या मौशरे का मिजाज बन गया है ना उसको बदलने की ज़रूरत है। हमें कुछ ना कुछ चेंज लेना पड़ेगा इसके लिए। हम सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें,
तो बस स्टेप ले लें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतरी के मामलात खुद ही कर देते हैं अल्लाह ताला। बस ये है कि अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए भी जिए। बिल्कुल जी। अब हमारे शो में आपको पता है एक और चीज होती है, वो ये होती है कि ब्रेक वो लाजमी चीज होती है और वो ब्रेक लेनी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। नाज़रीन हमारे शो में आ गया जी ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनी शाह। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और हमारा सिलसिला जहाँ से रुका था वहीं से हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताएं, आप तो पेंटर हैं, पर हर जो कहते हैं ना, जो वालिद होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पे चले। ये ख्वाहिश आपके अंदर भी है कि मेरा बेटा भी मेरे नक्शे कदम पे चले? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि माशाल्लाह से मेरे दो बच्चे हैं, माशाल्लाह, एक बेटा और एक बेटी, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही आर्टिस्ट हैं। अच्छा होता है जी, कि जी, आप जी, बेटी का होता है कि अपने वालिद को अगर वो देख रहे हैं वही। और माशाल्लाह से बहुत छोटी उम्र से दोनों पेंट कर रहे हैं, स्कल्पचर्स भी बनाते हैं, बड़ी अच्छा। मजे की बात है। और मेरी एग्जीबिशन में एक पोर्शन उनका जरूर होता है, और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग और स्कल्पचर्स करते हैं, वरना मेरी बेटी नाराज हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो बड़ी खुश होती है कि उसके बाबा की एग्जीबिशन में उसका काम लगा है। तो मैं बिल्कुल, और मेरा बेटा तो माशाल्लाह से 2.5 साल की उम्र से और बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, मतलब अच्छा। मुझे आप अगर उसका काम देखेंगी तो आपको हैरत होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करते हैं वो। और उनके ऊपर तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्ट क्रिटिक है मार्जरी हुसैन, अच्छा। वो बाकायदा मैगजीन में लिख चुकी हैं उनके लिए, तो ये बड़ी ऑनर की बात है और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, फ़ख्र महसूस जी बिल्कुल। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड भी हैं और बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ऑनर भी हैं, उन्होंने कहा कि कमर तुम्हारे बेटे का काम तुम्हारे काम से अच्छा है। मैंने कहा मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का, महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। बाप हमेशा अपने बेटे को अपने से आगे जाने का जाता देखने का शौकीन होता है, और वो बिल्कुल वही बात है। तो वो भी हंसी थी, कह रही है, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा दिल जो है वो बड़ा कर दिया इस वक्त। तो बहरहाल कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला आपको तो आप ज़रूर मेरे बच्चों का भी काम देखिएगा, आपको बड़ी खुशी होगी। बड़ा इनोसेंट किस्म का काम, क्योंकि एज कम है तो स्ट्रॉन्ग बहुत है, मगर उसमें वो मासूमियत भी होती है, तो बड़ी हमें भी देख के बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल, वालदैन जो है वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो जी जी। और उनका नाम जो है रोशन करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और कामयाबी होती है, मेरे हाल से कामयाबी होती है। मेरी वाइफ भी पेंटर है। अच्छा, आपकी वाइफ भी पेंटर है, तो ये बताएं 2-3-4 आर्टिस्ट तो एक घर में है, एक घर में है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द, हम चारों का इंटरव्यू करने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम बहुत जल्द एक ग्रुप शो अच्छा। प्लान कर रहे हैं, फैमिली ग्रुप शो होगा अच्छा। हमारा, तो उसमें आप उसमें शायद मेरे वाले साहब का भी काम हो अच्छा जी। वो एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, कैलीग्राफी में उन्होंने बहुत काम किया है, और उनका ये है कि बस वो ऑफिस की लाइफ में ज़्यादा नहीं हुआ, उनकी चीज़ें हुई, तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ अपना काम एग्जिबिट करें, और मैं मतलब मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, और शायद मेरे अब्बू भी बहुत खुश होंगे इस बात बिल्कुल, पे बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द हमारा एक ग्रुप इंटरव्यू करने वाली है फैमिली का इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, अब वो जो एक सिलसिला है कि चार आर्टिस्ट एक घर में है, जी जी ठीक जी है जी जी। तो कभी कभी ऐसा हुआ घर में कि वाइफ ने कहा हो, या बेटे को आपने कहा हो, या बेटी ने आपको कहा हो कि यहाँ ये कलर नहीं, ये कलर होता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि फैमिली में आपको पता हर चीज होती है। अच्छा मैं जो है ना,
मैं मुझे ज़्यादा खुशी इस बात पे होती है कि मैं मशवरे से काम करूँ, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद शामिल होती है, क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि दूसरे के दिमाग से आपके पास क्या मशवरा आ सकता है। तो चाहे आप ठीक है होल सोल भी होते हैं आप, लेकिन मशवरे से एक तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और दूसरा ये कि एक अच्छा फैमिली में आप डिस्कस करें और अच्छे मशवरे मिलते हैं और एक ज़रा हेल्थी जो लाइफ है उसको आप इंजॉय करते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली से मशवरा करके काम करूँ, और मैं पूछता हूँ पेंटिंग में कि उनको पेंटिंग के बारे में राय क्या है, क्योंकि आप जो कुछ बनाते हैं एक तो आप उसके सामने कंटिन्यूसली बैठे होते हैं, तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है, आप फेमिलियर हो चुके होते हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो जब कोई बाहर से आके उसको देखता है ना, तो वो फिर उसको वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है। तो आपको कलर किस तरह के पसंद है? कलर्स जो हैं वो वाकई में पेंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और अच्छा, एक होता है कि डेकोरेटिव पेंटिंग मीन्स कि वो नेचर को पेंट करते हैं, तो उसमें नेचर की खूबसूरती को दिखाया जाता है, ये एक अलग तरीकाकार है काम करने का। अच्छा, एक और तरीकाकार ये होता है कि आप क्योंकि पेंट्स की भी एक लैंग्वेज है, मीनिंग्स होते हैं, तो फिर ये होता है कि आर्टिस्ट उन पेंट्स की के मीनिंग्स के हिसाब से अप्ने कैनवस पे पेंट्स अप्लाई करते हैं। तो फिर ये होता है कि जैसे जो रेड कलर है वो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है, येलो फ्रेंडली होता है, ब्लू ब्लैक की भी अलग फीलिंग्स होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आर्टिस्ट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कलर के डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं। मैं जो है मेरी पेंटिंग्स में मैं आजकल ब्लू बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पेंटिंग्स बना रहा हूँ वो रूहानियत पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो रूहानियत का जो की रोशनी का जो रंग है वो ब्लू है। ब्लू है तो आप देखती हैं आसमान ब्लू है ना, नोट करती हैं, तो वो और उसी का अक्स है पूरी दुनिया में। हाँ। तो यानी कि ब्लू कलर जो है, ब्लू लाइट से सारा काम। पानी ब्लू क्यों नज़र आता है? पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ब्लू शेड आसमान का पड़ रहा है, तो वो तो इस वजह से मैं वो ब्लू में ब्लू सीरीज में इश्क मोहब्बत एक पाकिजगी पर काम कर रहा हूँ। तो मैं जो ब्लू कलर को उससे सिंबल के तौर पे ब्लू कलर मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ। अच्छा, वाइट कलर जो है मैं एज ए प्योरिटी ऑफ प्योरिटी के लिए वैसी प्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और रेड कलर को मैं एज ए खलूस मोहब्बत में भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मुख्तलिफ कलर्स को मैं मुख्तलिफ जगहों पर टॉपिक्स के हिसाब से मैं इस्तेमाल करता हूँ। और सबसे अहम बात ये कि मैं ग्रे कलर यूज़ करता हूँ, कि इंसान जो है वो दो खसूसियात का मालिक होता है। हर शख्स में अच्छाई और बुराई मौजूद होती है, कुछ में अच्छाई ज़्यादा होती है, कुछ में बुराई ज़्यादा होती है। तो और कुछ में कुछ अल्लाह ताला ने लोग ऐसे बनाए हुए हैं जो बिल्कुल पाक होते हैं, सफ़ेद वो भी कम होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक होते हैं वो भी कम होते हैं। तो बहरहाल बाकी ये है कि ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है इंसान। तो ग्रे कलर की मैं ज़्यादातर पेंटिंग्स में काम करता हूँ, तो वो ग्रे कलर अब आप समझ गई होंगी कि वो ग्रे कलर ये है कि इंसान नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मिक्सचर है। तो अगर आप देखें मेरी पेंटिंग में अगर कोई फिगर वाइट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उसमें प्योरिटी ज़्यादा है, और वो ब्लैक की तरफ अगर ज़्यादा जा रहा है तो फिर आप समझ ही रही हैं। मैं ज़्यादातर आजकल जो पेंटिंग्स बना रहा हूँ उनमें मैं फेसेस नहीं करता हूँ, सिर्फ उनकी एक पोस्चर कह लें या बैक से एक मतलब उनकी सिर्फ एक स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ खाली पेंट कर रहा हूँ, ड्रेपरी के साथ कपड़े के साथ टर्बन्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो आपको मैं काम दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और ये है कि बस इसी तरह की कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं करता रहता हूँ, और लोग सराहते हैं, लोग खुश होते हैं।
अच्छा, मैंने एक चीज़ आपके अंदर देखी है जो कि मैं जितना मैं समझती हूँ और मैंने अपनी लाइफ में अपनी माँ, क्योंकि बेटी अपनी माँ से सीखती है, तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा कि गरूर कभी नहीं होना चाहिए, कि वो गरूर मेरे रब को नहीं पसंद, ठीक है। तो वो चीज़ आप में मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आई है, पर कुछ पेंटर, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनमें बहुत गरूर है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने अभी गरूर वाली बात की है ना, तो मेरे अंदर अजीब सी एक वेव, क्योंकि जब आपको ये समझ में, देखें दो तरह की ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, एक ये है कि आप ज़िंदगी हकीकत के साथ गुजार रहे हैं, और एक ये है कि आप आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लस्ट ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर इंसान खुद खुदा बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो किसी को अपने सामने जो है ना वो अहमियत नहीं देता, नहीं देता, मैं होती है, मैं होती है, मैं बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस कर चुके हों कि कोई है जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, तो फिर आपकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तो आप क्योंकि पूरी दुनिया पे हुकूमत वो कर रहा है, रूल वो कर रहा है, हुक्म उसका चल रहा है, अब दुनिया को समझ में आना शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहें कि ये कोई किताबी बातें हैं, अब ये किताबी बातें नहीं, अब ये नज़र आती हैं, नज़र आती साइंस, साइंस को देखने के बाद रब के होने का यकीन मजीद बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता कि लोग साइंस पढ़ने के बाद अपने रब से दूर क्यों हो जाते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ इस बात को, जबकि साइंस पढ़ने के बाद रब का यकीन हो जाना बहुत कभी कभी इम्कानात हैं इस चीज़ के। तो जब से बस उस रब ने, देखें बात ये है कि यहाँ तक पहुँचाने में उसने बाल सफ़ेद कर दिए, लेने में वो देर नहीं लगाता, तो मैं क्या और मेरी क्या औकात, सब वही दे रहा है। तो आप कुछ भी नहीं है, और आप ये देखिए कि दुनिया में आप हमारी ज़मीन की कोई अहमियत नहीं है, हमारा जो ये जो सोलर सिस्टम है इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप गैलेक्सीज़ की अहमियत नहीं है, उस रब की कायनात इतनी लामतनाही है कि आप देखते चले जाएं और वो ख़त्म ना हो, और उस सब का वो मालिक है, तो वो कितनी बड़ी हस्ती है। और ये देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है। और लोग कहते हैं कि मतलब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस बात को कि खुदा है। आजकल जो ये वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न थॉट्स जो हमारे अंदर पैदा हो रही है ना, वो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है और एक सेकंड का भी फर्क नहीं आ रहा है, और पता नहीं कब से घूम रही है, तो ये तफाक है? नहीं, ठीक है। सूरज एक सूरज के इर्द गिर्द और तमाम सैयारे घूम रहे हैं और कोई आपस में नहीं टकरा रहा है। सूरज जैसे पता नहीं कितने जो गैलेक्सीज में हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, तो ये इत्तफाक कहाँ है? इत्तफाक में तो आपने जो जहाज बनाया है आज, क्या आपने शुरू में बना लिया था? आप उसकी वीडियोस उठा के देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनों ने अपने हाथ पैर पहाड़ों से कूद कूद के तोड़वाए हैं, आज जाके आप जो है वो दुनिया को छोड़ के चांद पे और दूसरे सारे ये जो सारी तहकीक साइंस अभी कर रही है, ये सब कुरान में मौजूद है, और उन्होंने कुरान से पढ़ के ही ये सारी, हम लोग दूर हो चुके हैं और वो लोग करीब हो चुके हैं। देखिए, वो इस पे रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, हम लोगों को लगाया हुआ है कि देखिए ये फिर बात कहीं और निकल जाएगी, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपने बात ये की कि इंसान में तकब्बुर इंसान में, जब तुम्हें अपने रब की का एहसास हो जाता है ना, तुम्हारा तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, आप चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान है, अगर वो शख्स किसी बड़े ओहदे पे फायज है ना, और उसके अंदर अगर आजजी नहीं है, तो वो कुछ अरसे के बाद अपनी जगह से हटा दिया जाएगा। ये एक अहम बात है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है, और अगर एक चीज़ गलत हाथों में चली जाती है, तो उससे इंसानियत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। तो उसकी दो वजूहत हैं, या तो आवाम ख़राब है, तो उस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं ताकि उनको वो राह हक की तरफ वापस आए, या फिर ये होता है कि कभी कभी जुल्म आ जाता है तो वो भी निकल जाता है। तो जो लोग ये बहुत ही, देखिए, हाँ अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है,
तो आपको आजी में भी मिल रही है, तो अल्लाह ताला आपको, देखिए हमने तो आजी में ही इज्जत मिलते हुए देखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला ये है कि आप इज्जत ले लें, हाँ। तो पीठ पीछे आपके साथ क्या हो रहा है इसकी जमानत कोई नहीं देगा। आप सब जानते हैं, आप भी जानती हैं कि आप उसकी उस ओहदे की इज्जत उस वक्त तक करेंगे जब तक वो उस ओहदे पे है, लेकिन आप किसी अच्छे इंसान की इज्जत उसके मरने के बाद भी करते रहेंगे, क्योंकि आजी जो है ना वो आपके रब को पसंद है और आपका रब ही आपको इज्जत दिलवाता है। देखें बात ये हो रही है कि ये सारी मैं जो बातें कर रहा हूँ ये साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ हैं, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैंने भी यही सीखा है, मैं भी पहले जो मुसलमान था वो इसलिए मुसलमान था कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मैंने देखा मैंने सुना कि मेरे अल्लाह है और मेरे वालदैन जो है उसकी इबादत करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन तो फिर जो हिंदू है उसका क्या कसूर है? ठीक है, बात यह है अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, पूरी दुनिया की नॉलेज एक मोबाइल में आपके सामने आ गई है, आप रिसर्च कीजिए तो वो आपको हक की तरफ खुद ले जाता है। मैंने जो कुछ पाया वो आजी में ही पाया। बिल्कुल ठीक है, ना आजी में अल्लाह को पसंद है, मेरे रब को पसंद है, वो मेरे मामला कहाँ से कैसे सही करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, तो ये सब मेरे रब की तरफ से ही है। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं किसी सियासत में पढ़ूं या करूं, मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल, मुझे परेशानी होती है, मैं अपने रब के हुजूर गुजारिश करता हूं, वो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाती है, और बस ऐसे ही चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, बड़ा सुकून है। मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बहुत सुकून हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। देखिए वो अपने बंदे के साथ होता है, ये सिर्फ आपके रब की ही क्वालिटी है। कोई शख्स दरवाजा बंद होने के बाद आपके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि अब हो जाता है, लेकिन फिर भी रब फिर भी आपके साथ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने रब को खुलूस से पुकार के तो देखें, वो आपके साथ है। बज़ाहिर तो मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ, मगर मैं बातें ज़रा दीनी कर रहा हूँ, ये दीनी नहीं है, ये जिंदगी का फार्मूला है। हाँ, बिल्कुल। मैंने उस फार्मूले को महसूस किया है और अपनी लाइफ में मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल, कामयाब होने के लाना भी चाहिए। कामयाबी और नाकामी का मामला मेरे रब का है, क्योंकि मेरा रब अगर मुझे नाकाम करना चाहता है तो कोई कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी कायनात उसकी है। बिल्कुल। और मैं खुश हूँ अगर वो नाकाम कर रहा है तो, क्योंकि उसकी रजा में मेरी रजा है। बिल्कुल, क्या और अगर वो मुझे इज्जत दे रहा है तो मेरी इज्जत कोई ले नहीं सकता। आप क्या समझ रही हैं कि मेरे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स नहीं चल रही? बहुत होगी। ठीक है, मुझे लेकिन मैं कभी इस चीज को, मैं पहले मुझे घबराहट होती थी, अब तो वो भी नहीं होती, अब तो बस चलते रहो जिस रास्ते पे मेरे रब ने लेके जाना है वो रास्ता मेरे लिए खुद ब खुद खुल जाएगा। और अल्लाह ताला मुझे इस पे कायम रखे और हम सबको इस तरफ लेके आए, क्योंकि मैं फिर ये कहूँगा कि ये कोई मजहबी बात नहीं है, बाखुदा ये मजहबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तुम सोच लो कि तुम जिस रॉकेट पे बैठ के आज मरीज पे जा रहे हो, वो रॉकेट आज से कुछ अरसा पहले तक था ही नहीं, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे उसका, कितनी मेहनत की है तुमने उसको बनाने के लिए, खुद तो नहीं बनाना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, हमारा अब काफी सारी बातें मुझे और भी पूछनी थी, बल्कि मुझे तो अभी वो जो COVID-19 का वो जो एक दौर, एक मुझे तो पूरा दौर लगता है, वो एक साल नहीं लगता, तो वो उसके बारे में पूछना था, बल्कि आप चंद मिनट में जवाब। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी एक मैं शो करना चाह रहा हूँ, मैंने शायद बीच में जिक्र किया था, इंटरनेशनल पीस पर मैं शो करना चाह रहा हूँ, और वो मैं नेशनल लेवल पर ही चाहूँगा कि वो मैं दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाऊँ, ताकि कंट्री टू कंट्री ये बात जाए, मुल्क से मुल्क में ये बात जाए कि खुदारा अपने अपने हिस्से का जियो, दूसरे का हक मत छीनो, ताकि ज़िंदगी सुकून से। देखिए अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं है, दुनिया इस वक्त इतना तबाही का मवाद बना चुकी है कि वो पता नहीं कितनी दफ़ा इसको दोबारा बनाया जाए फिर भी। तो उसके लिए मेरे एक फैलो हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, नासिर साहब, क्रिसेंट आर्ट गैलरी के ऑनर, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इसमें अपनी क्या कहते हैं कि आमादगी ज़ाहिर की है,
कि वो मेरे साथ इसको ट्रैवल कराएंगे और इंशाल्लाह वो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आर्ट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, वो आर्ट की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तानी आर्ट की इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। अब वो अपने आर्टिस्टों को चाहते हैं कि वो इन दुनिया भर में जो है वो माने जाएं और पहचाने जाएं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, और पता ही नहीं चला वक्त का कि किस तरह ख़त्म हो गया, और बहुत सारे सवाल अभी भी थे जो मैंने आपसे पूछने थे, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ज़रूर आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छा लगा, और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने इतना वक्त दिया अपना। हाँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हमारा शो देखा, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह सैटरडे संडे मेरे शो आप देखते रहें, पसंद करते रहें, अपनी मोहब्बत अपना फीडबैक मेरे शो को देते रहें। रिपीट में भी आप मेरा शो देख सकते हैं, और अगर ना देख सकें तो यूट्यूब पर जाके वीकेंड शाइन विद एनिशा देख सकते हैं। और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें, मुझे आपकी प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। और प्यार मोहब्बत आप किस तरह से दे सकते हैं कि मेरे शो को पसंद करें, लाइव कॉल करें, जो सवाल आप करना चाहते हैं वो करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे शो को और बेहतर बनाना है, कोई अच्छा मशवरा, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।